राशिद भाई हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ नया सा बता दो भाई। गाइस मेरे पास है ना दो हो गया है GoPro 10, बाकी इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोग देख लेना। सो फाइनली गाइस कैसे आप लोग, तो गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है एंड यहाँ से ना गाइस अभी जाने वाला हूँ पूरा बाजार मुंबई। तो गाइस क्या लेने जा रहा हूँ तो आप लोग को सब पता चल जाएगा, तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You've been shot at, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. So, फिलहाल गाइस अभी ये वडाला स्टेशन पे उतर गया भाई, वडाला तक का ही था वो गाड़ी, एंड वाली गाड़ी से आया था भाई। अभी यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे ना 531 की गाड़ी है, उधर 535 की गाड़ी है, तो इसके लिए वहाँ से इधर आना पड़ा है। और गाइस आप लोग को ना बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोग मुझे भाई लोग बोल रहे थे कि अपना राइडिंग के लिए वो सेटअप कैसे, मतलब कैसे कैसे क्या करने गए, तो नूर भाई बता दो भाई। आप लोग कैमरा लेना चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग जाके देखना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेन अभी आया नहीं है, एंड इधर से आएगा भाई 531, इधर 535, तो इधर जल्दी है, इसके लिए इधर आना पड़ा है भाई। स्टेशन पहुँच चुका हूँ और यहाँ से गाइस 5 मिनट का रास्ता है राशिद भाई के दुकान के पास, जहाँ से आप लोग कैमरा ले सकते हो। ये देखो आप लोगों को मैं पूरा रास्ता बता रहा हूँ, ट्रेन से इसलिए आओगे ना भाई बेस्ट रहेगा तुम्हारा, पैसे कम लगेंगे, बाकी इधर रहना, गाड़ी लेके आओगे चेक इन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। 5 से 10 मिनट का रास्ता है पैदल राशिद भाई के दुकान के पास बोरा बाजार, यहाँ का ना व्यू बहुत हार्ड है भाई। यहाँ पे ना बस स्टॉप है, बस स्टॉप से ना आगे आओगे अगर आप लोग, तो ये पहली गली है, ये रोड का मतलब पहली गली है, और यहाँ से सीधा जाएंगे ना, एंड उस साइड से भी रास्ता है, बट ये वाला मेरे को ना सही लगता है भाई, अपने को सब पता चल जाता है क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। एंड ये वाला पहला रोड है बिग जोन में जाने के लिए, और राशिद भाई के पास से लोग हैं ना भाई बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्वालिटी का कैमरा देते हैं, बाकी गारंटी फुल है भाई। आप लोग को बताऊँगा गाइस अगर आप लोग कैमरा लेते हो बैकग्राउंड से लो बहुत अच्छा है भाई, कुछ अगर होता है तो भाई एक्सचेंज वगैरह के लिए सब कुछ हो जाएगा भाई। मैं बाहर से परचेस किया था भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, एंड मेरा GoPro 9 था रिलायंस डिजिटल से किया। तो गाइस ये है पहला वाला रोड जो आप लोग को मैंने बताया, और ये है ये दुकान देख लो भाई, ये कैमरे का ये, और ये इधर भी है भाई, बाकी ये वाला रोड है, ये वाला रोड जो जाओगे ना आप लोग डायरेक्ट राशिद भाई के दुकान के पास ही जाओगे, बाकी देख रहे हो इधर भी कैमरे हैं, बाकी ये सब ये भी सर कैमरे का ही है बट बंद है, देख रहे हाँ। राशिद भाई का दुकान कितने बजे तक का रहता है खुला, तो भाई 8:30 बजे तक का खुला रहता है, 8:30 तक का, ये देख रहे हो ये वाला है भाई BMMG बैकग्राउंड, बाकी इधर देख रहे हो भाई तो सब राइडिंग के लिए है भाई। तो गाइस ये वाला सीढ़ी है, सेकेंड फ्लोर पे है भाई का शॉप, एंड यहाँ से फटाफट जाएंगे हम लोग, बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा दबा गया है, बारिश हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, बस उसके बाद ये देख रहे हो सोनी कैमरा वगैरह सब है, बाकी ये वाला शॉप है भाई। फाइनली गाइस आ चुका हूँ भाई शॉप पे, अस्सलाम वालेकुम, राशिद भाई कहाँ है ना नीचे गए। तो गाइस अभी अपने भाई के शॉप पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे ना भाई आपको जो भी सीरीज चाहिए कैमरे का मोटो व्लॉगर का जो भी चाहिए एंड सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ है भाई एकदम थक गया हूँ भाई। GoPro का चार्जर, GoPro की बैटरी 10 का मैंने गाइस ये GoPro का चार्जर ले लिया हूँ भाई से, और ये डबल बैट GoPro ओरिजिनल GoPro 9 का और 10 का ही है, ये एंडुरा बैटरी है, ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है और जल्दी लो टेम्परेचर में भी GoPro ऑन चला सकते हो, अभी कश्मीर वगैरह जाएगा तो
लो टेम्परेचर हो जाता है माइनस में तो नॉर्मल बैटरी नहीं चलती है, तो ये चलती है। हाँ ये चलती है, गोप्रो ऑन ही नहीं होता है लो टेम्परेचर जाएगा, तो ये लो टेम्परेचर में भी ऑन हो जाएगा। तब बहुत ठंडी रहेगा माइनस डिग्री माइनस थ्री, तो उस टाइम भी ये चल जाता है। तो भाई जी अभी मैं ना लॉन्ग राइड के लिए जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये सब ले रहा हूँ मैं। एंड ओके ओके गाइस, ये अपनी दो बैटरी है, वही भाई न्यू बैटरी देख रहे हो आप लोग, तो ये निकल जा भाई। तब फिट बैठा हुआ है देखो, मतलब तीन बैटरी हो गया अपने पास, और ट्रिपल चार्जर भी हो गया, एक ही साथ तीन बैटरी चार्ज कर सकते हैं, एक साथ में तीन बैटरी चार्जिंग हो जाएगा भाई। राशिद भाई हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ नया सा बता दो भाई। ये एक कैमरा है DJI Action 2, ये 45,000 का MRP है इसका, आपको मिलेगा 16,000 में। अच्छा। और एक साल की वारंटी भी है। ये क्यों बिक रहा है ये कम, इतना कम प्राइस में? ये थोड़ी गर्म होता है लेकिन बहुत अच्छा है, वीडियो क्वालिटी स्टेबलाइजर, तो ये बजट में सुपर है। 16,000 में भाई सुपर है भाई। अपना कैमरा आया है X4, इसका वीडियो क्वालिटी सुपर है, 8K है, सिंगल कैमरा में पहली बार है 4K दिया है 360 कैमरा में, और इसके साथ एक स्टैंडर्ड गाइस देख रहे, बहुत सारा कैमरे से बता रहे भाई। भाई ये कैमरे के लिए कुछ बता रहे थे आप। ये वाला कैमरा है, तीन बैटरी और एक चार्जर का साथ और स्टिक का साथ है 40,000 में। 40,000 तो ये बहुत अच्छा प्राइस वर्थी बेस्ट रहेगा ये। गाइस देख रहे हो DJI का कंपनी का भाई, बेस्ट कंपनी है ये, और आप लोग यहाँ से आके ले सकते हो, कहीं भी मत जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ भाई के पास से मिल जाएगा। लिमिटेड स्टॉक है GoPro Hero 10 25,500 का, उसके बाद 10-12 पीस है, उसके बाद वो भी बंद हो गया। अच्छा GoPro भी बंद होने वाला भाई, जल्दी से आके लेके जाओ भाई, बाय करो फटाफट। काफ़ी मेरे भाई लोग का क्वेश्चन था कि नूर भाई कैमरे कहाँ से लेते हो आप, राइडिंग के लिए कहाँ से क्या क्या चीज़ लेते हो, तो मैं भाई के पास ही आया था, और भाई बहुत बहुत ज़्यादा वायरल है भाई की वीडियो, जैसे आप लोगों को सब कुछ लोकेशन बताया वो लोकेशन से आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी लोकेशन भी डाल दूँगा, भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी है वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से अपना काम हो चुका है गाइस, यहाँ से ले लिया हूँ मैं कैमरे वगैरह, देख रहे हो गाइस ये मैंने ले लिया है भाई, और यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ का गाइस आप लोगों को लोकेशन डाल दूंगा, यहाँ का देख रहे हो भाई का ये बोर्ड है, एंड यहाँ से आओगे ना आप लोग, इधर से आओगे ये सीढ़ी है, और बाकी यहाँ से सीढ़ी से जैसे आओगे ना ये सोनी का दिखेगा, और ये दिखने के बाद है ना ये रास्ते से अंदर चले जाओगे, क्योंकि एक ही रास्ता है, ऊपर मत जाना भाई, सेकेंड फ्लोर पे बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा खुशी है, 55 भाई। बाकी यहाँ से निकल रहे गाइस फटाफट, मेरे मैं एक्चुअली ना कैमरे लेके नहीं आया हूँ, आईफोन से शूट कर रहा हूँ गाइस, और मौसम बहुत तगड़ा हो गया भाई, देख रहे हो आप तो, ये देखो भाई। तो फिलहाल गाइस यहाँ से भाई बंद करता हूँ, ये देखो ये वाली बिल्डिंग में है भाई का सेकेंड फ्लोर पे। फाइनली गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फटाफट। भाई जिसको भी कैमरा चाहिए, मोटो व्लॉगर जो भी करना चाहते हैं भाई, तो आ सकते हो यहाँ से लेके जा सकते हो आप लोग, और बाकी कैमरा का मैं बता दूँगा किस में लगाना है, कैसे क्या करना है, हेलमेट में कैसे माउंट कैसे सेटअप करते, सब उस पर ना वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो आप लोग जाके देख लेना। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा भाई, एक बार कैमरा लो, अच्छा चीज़ लो भाई, पैसा वेस्ट मत करो बार बार। अगर 16,000 का ले लोगे भाई, 15,000 का ले लोगे, एंड चलो XYZ तुम 4-5,000 के अंदर कैमरा मिल जाएगा आपको, बट वाला कैमरा लोगे ना भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि कैमरे अलग अलग कैमरे रहेंगे, अलग अलग क्वालिटी रहेगा। बाकी फिर बाद में बोलेंगे भाई ऐसा कैमरा है वैसा कैमरा है, तो फिर नया कैमरा लोगे भाई, भाई 10-20,000 खर्चा करने से अच्छा कि एक बार थोड़ा रुक के ले लो, बट अच्छा चीज़ लो भाई। मैं GoPro 9 लिया था, पहले तो आईफोन से शूट वगैरह कर रहा था, फिर उसके बाद GoPro 9 लिया। GoPro 9 लेने के बाद उसमें मैन्युफैक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से भाई उसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला था, रिप्लेसमेंट ओके भाई 10 आ गया। ये वाला दूसरा रोड है, बाकी अपन दूसरे वाले रोड से आए थे, एंड ये दूसरे रोड से जा रहा हूँ। सो गाइस कैसे आप लोग, तो गाइस आ चुका हूँ घर पे, एंड क्या क्या लेके आया हूँ गाइस तो आप लोग को बता देता हूँ, और क्या क्या है। तो गाइस अभी आप देखो मैं GoPro ना 10 लेके आया हूँ, ये लॉन्ग राइड के लिए देख रहे GoPro 10, एंड ये देखो ये मेरे पास पहले वाला था, ये जो गिर गया बताया था ना आप लोग को कि मेरा GoPro का बैटरी और चार्जर गिर गया, तो ये देखो इसमें चार्जर था, बट अभी GoPro बैटरी लेके आया हूँ, ये देख रहे हो डबल बैटरी है भाई,
ये देख लो भाई, इधर देखो डबल बैटरी और ये GoPro का चार्जर, ये भी लेके आया हूँ। और GoPro EQ लेके आया है, GoPro 10 तो हो गया है। और ये देख रहे हो, और मैं इसलिए लिया हूँ ना एक सामने मतलब लगाने के लिए, एक्स्ट्रा 360 नहीं लिया हूँ भाई, मुझे जमता नहीं है। एंड उसको बाद में देखेंगे क्या है, बट अभी दो है मेरे पास कैमरा, जैसे प्रो राइडर भी यूज़ करता था ना भाई, मतलब आगे लगा के यूज़ करता था, और अपना आमिर माजिद भी है वो भी आगे लगा के मतलब यूज़ करता था, बट अभी अलग अलग चीज़ चल रहा है। बट लेंगे भाई एक्स्ट्रा 360 भी लेंगे, इसको पीछे लगाएंगे। बाकी इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोग देख लेना क्या रिव्यू है, क्या है नहीं है, कैमरे मतलब सही है कि नहीं है। तो गाइस ये इस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। और काफ़ी भाई लोग भी बोल रहे थे इंस्टा पे मैसेज करिए कि नूर भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो आप लोग को बता दूंगा। तो बहुत जल्दी